उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में एक ऐसे संगीतकार, उन्होंने यादों के दरीचों में झांक कर सुनाई अपनी अनकही अनजान दास्तान। आइए पहले उनके गानों की एक बांगी सुनी जाए। पतंग को कहता है काई, बोलो बेटा टिंगू ये रंग है या राई, राई 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 मित्र प्यारे नो हाल मुरी बांधा तेना मित्र प्यारे उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में संगीतकार एस मोहिंदर, इनसे बातचीत की है आपके दोस्त यूनुस खान ने। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियोज में। मेहरबानी आपके। अच्छा, जब आप अपने गाने तैयार करते थे तो पहले लिरिक्स लिखवाते थे या ट्यून पर गाने लिखवाने नहीं, का तो मैं ट्यून पे मैंने कभी गाना लिखवाया नहीं जी। मैंने हमेशा कहा राइटर को कि सिचुएशन ये है, इसके ऊपर आप अपने हिसाब से जो आपके दिल में आता है उस खुला लिखिए, आपको मजबूरी कोई नहीं। अगर धुन पहले हो तो मजबूरी हो जाती है राइटर को लिखने की कि क्या लिखूं मैं क्या ना लिखूं, तो फिर जो कुछ वो लिखते थे मैं उनकी धुन बनाया करता था। अच्छा अच्छा, यानी धुनों पर जो गाने लिखे जाते हैं उस तरह से आप इत्तेफाक नहीं, मैंने एक गाने में धुन पर ही करवाया जी। जी, अपने लिरिसिस्ट्स के बारे में बताइए। आपने बहुत सारे गीतकारों के साथ काम किया है, सरशार सैलानी और राजा बहरेली खां, राजेंद्र कृष्ण, तनवीर नकवी जिनका आपने जिक्र किया। मैंने सुरजीत सिंह सेठी जी और फिरोज जलंधरी और राजा बहरेली खान, राजेंद्र कृष्ण जी, तनवीर नकवी जी जी और मजरू सुल्तानपुरी और आनंद बख्शी, क्या बात है, हसरत जयपुरी, बहुत से लोगों से गाने लिखवाए। एक गाना लिखा था सरशार सिलारी ने, पूछ रहे थे यार के बीवी कैसी हो, लो सुनियो सरकार के बीवी कैसी हो, कौन कहे उससे जाके है हजूर, हमारा क्या कसूर, रहो जो दूर दूर, क्या बात है। ये सरशार सिलारी का गाना है। बहुत बढ़िया। तो ये जो गीतकार आपके साथ काम करते थे, कभी किसी शब्द को लेके या किसी सिचुएशन को लेके इनसे कभी कोई बहस होती थी? कोई खास नहीं, थोड़ी बहुत कोई भाई हो जाता है कि ये कह के कि ये बोल जो आया है ये भारी है, ऐसा को बोल लेके आइए जो संगीत में अच्छा मीठा लगे, किसी और कोई मेरे कुछ कहा नहीं जी। जो लिख के दिया वो कर दिया हमने। तो हमने एक गाना का लिखा हुआ है, जवानी झूलती है आज की झूला झुलाती है, कदम फूलों पे पड़ता है नजर तारों पे जाती है, जमीन से आसमां तक अब जवानी आती जाती है। जवानी झूलती है बनी झूलती है हाथ पे झूला झुलाती है, पदम फूलों पे पड़ता है नजर तारों पे जाती है। जमी से आसमां तक अब जवानी आती जाती है, पदम फूलों पे पड़ता है नजर तारों पे जाती है।
पी जाती है, जवानी झूलती है आज भी झूला झुलाती है। दुर्रानी साहब का कई बार जिक्र आया है, उनसे आपने गाने गवाए हैं, उनसे जुड़ी हुई यादें बांटी है। वो बहुत अच्छे सिंगर थे। कहते हैं कि रफी साहब के पहले तक जीएम दुर्रानी अपनी तरह के कामयाब सिंगर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। एक बात है कि दुर्रानी साहब ना वो गाते थे और बहुत अच्छा गाते थे। रफी साहब ने आके एक अलग काम पैदा किया है, जिसे कहते हैं ना गाने में एक्सप्रेशन। जैसे बोलो में एक्सप्रेशन होता है ना, बिल्कुल ऐसे गाने में एक्सप्रेशन जी। तो वो गाने में अल्फाजों का माने है गा के जाहिर करना, ये मोहम्मद रफी ने शुरू किया है जी जी। और फिर उसके बाद सारी इंडस्ट्री शुरू हो गई जी, क्योंकि जब तक वो एक्सप्रेशन ना आए गाने का मजा नहीं आता। जो एक्सप्रेशन से गाने वाले थे वो जिंदा रहे हैं, जो नहीं गाते थे वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए। रफी साहब से जुड़ी यादें बांटिए। रफी साहब के साथ मेरे घर तो हर महीने आशा भोसले और रफी साहब एक संडे गुजारते थे। अच्छा, और क्या होता था दिन भर? बस दिन में गप्पे मारते थे। समुद्र के किनारे पे मकान था मेरा, वो समुद्र का नजारा देखते थे और मेरे साथ बातें करते थे और खाना खाते थे और चले जाते थे। क्या बात है, क्या बात है। और मेरे घर पे आके रिहर्सल करते रहे हैं, जहाँ भी रिकॉर्डिंग हो जी मेरे घर पे रिहर्सल करते थे दोनों। रफी साहब बहुत कम बोला करते थे? बहुत कम बोलते थे, लेकिन जिनके साथ बोलते थे काफी बोलते थे। तो आपके साथ बहुत गप्पे हुआ? मेरे साथ तो मैंने उनसे कभी रफी साहब नहीं कहा। अच्छा। मैंने रफी कहा, रफी क्या हाल है तेरा। अरे क्या बात है। और एक दफे रिकॉर्डिंग हो रही थी शर्मा जी के यहाँ बॉम्बे लैब पे, तो उसमें वो गा रहे थे, थोड़ी सी मुझे ऐसे लगी कि जैसे आवाज थोड़ी खनसुरी हुई है, तो मैंने आवाज दी उनको कि रफी साहब आप अपनी आवाज का ख्याल रखो, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो जवाब नहीं आया। फिर मैंने फिर कहा जी, फिर मैंने कहा किसी से भाई रफी साहब का आवाज नहीं आ रहा। जी रफी साहब नीचे उतर गए। अरे मैंने कहा उनको क्या हुआ, उनको बुला के लाओ, पुलिस जी बुला रहे हैं। तो बुलाया, मैंने कहा क्या हुआ? कहता आपने मुझे गाली निकाली है। मैंने कहा मैंने तो कोई गाली नहीं निकाली, आप आज तक रफी रफी बोलते हो, आज रफी साहब कहाँ से आ गया? अरे गजब क्या बात। पहले कहा यार, पहले तो इसलिए कहा है कि आज तेरा सुर बराबर नहीं लगा तो मैंने रफी साहब कहा है। रफी का सुर कभी आगे पीछे नहीं होता, आज तेरा हुआ इसलिए तू साहब है।
ओहो, तो कहता सुर कैसे मेरा हो गया, मेरे का पता नहीं। तो मुझे उस वक्त मालूम हुआ, शक पड़ा कि इसको कहीं डायबिटीज तो नहीं। तो मैंने उसके जो असिस्टेंट था साला उसका, उसको बोला इनका डायबिटीज का चेक करवाओ। जी, तो मेरी वाइफ को डायबिटीज थी जी, तो मुझे पता था क्या बराबर हो, क्योंकि आवाज में फर्क आ जाता है। जी, कुछ देर उनकी आवाज में फर्क आया था, किशोर बहुत आगे आ गया, हम लोग पीछे रह गए। तो चेक कराया तो 350 डायबिटीज का नंबर था। यानी सबसे पहले आपने उनको मैंने इशारा किया, पता चल गया कि डायबिटिक है, तो इलाज कराना शुरू किया। उसके बाद फिर उनके सुर एकदम कायम हो गए, एकदम बराबर गाते थे, कोई गड़बड़ नहीं हुई, और अल्लाह ताला से दुआएं मांगते थे कि मैं टॉप पे आ जाओ। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो टॉप पे आ गए। जी, क्या बात है, जब उन्होंने गाया ए दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, भगवान भगवान भगवान। निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई, ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहाले, अब तो नीर बहाले, ओ अब तो नीर बहाले। दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, आग बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे, नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सहारे, ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले ओ दुनिया के रखवाले। चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा, भगवान भला हो तेरा, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी, पांव में पड़ गए छाले, ओ दुनिया के रखवाले,
आवाज और गलियां सुनी, चुप चुप है दीवारें, दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें, हम जीवन कैसे गुजारे। ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता, दिल को कौन संभाले, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, ओ दुनिया के रखवाले, रखवाले। इतना सुर में इतना अच्छा गाया है, वाह वाह वाह। मेरा एक गाना गाया उन्होंने, मित्र प्यारे नुहाल बोरीदा दा कहना, वो कल्याण राग में है, तो वो गाए हैं फिल्म नानक नाम जहाज में। जी जी। इतना अच्छा गाए हैं कि आज तक लोग कहते हैं कि इससे अच्छी ना तो धुन बनी है जी, ना किसी ने गाया है। बिल्कुल सही बात है, बहुत प्यारा गाना है वो। एसमिंदर साहब, आपने जिक्र किया बैजू बावरा फिल्म का, तो मुझे याद आया कि नौशाद साहब से आपका बड़ा करीबी नाता रहा है, और इत्तेफाक की बात देखिए कि मुगल आजम का जो संगीत है वो नौशाद साहब ने दिया है, कि आसिफ के साथ आप नाता पहले कर चुके थे। नौशाद साहब का जिक्र कीजिए, उनसे जुड़ी यादें बताइए। नौशाद साहब का जिक्र ये है कि जब फिल्म शुरू हुई ना बैजू बावरा जी, तो ये मैंने कहानी दी थी उनको बैजू बावरा, वो संत हरिदास बना रहे थे, तो मैंने कहा संत हरिदास की जिंदगी में कोई ऐसा मकाम नहीं है जिसका आप जिक्र कर सके, बनाना ही है, आप तो बैजू बावरा बनाइए। क्या बात है। तो मैंने उनको स्टोरी सुनाई बैजू बावरा की, उनको पसंद आ गई। विजय भट्ट और शंकर भट्ट, ये शादी की रात के बाद की बात है, उन्होंने मुझे लिया था उस पिक्चर के लिए, म्यूजिक डायरेक्टर, बैजू बावरा के लिए। बैजू बावरा मतलब संत हरिदास के लिए, क्योंकि उस वक्त तो आप बता रहे हैं कि संत हरिदास बना रहे थे, आपने कहा कि संत हरिदास की बजाय बैजू बावरा पर, बैजू बावरा बनाओ, तो फिर बैजू बावरा उन्होंने शुरू किया जी। तो मैंने उनसे कहा कि बैजू बावरा एक आदमी रामचंद्र ठाकुर है, उसके पास बैजू बावरा लिखा हुआ है, जो सब्जेक्ट मैंने उनको दिया था उन्होंने कम्प्लीट करके रखा, उससे बुला के सुनिए, सुना पसंद आ गया, तो मेरा एग्रीमेंट साइन हुआ। उसके बाद एक दिन मुझे बुला के कहने लगे कि भाई जो हमारे फाइनेंसर रहते हैं कि इस पिक्चर में नौशाद को म्यूजिक डायरेक्टर लो, तब हम फाइनेंस करेंगे, नहीं तो नहीं करते। आपको बुरा लगा? नहीं, ये नया आदमी है, कैसे क्या भरोसा क्या म्यूजिक दे, तो क्या करे। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो नौशाद को ले लीजिए, अगर इस पिक्चर के लिए ले रही है तो खेमचंद प्रकाश को लीजिए, इससे ज्यादा बेटर म्यूजिक डायरेक्टर है। तो उसके बाद मैंने उनके सामने अपना जो एग्रीमेंट था वो फाड़ के फेंक दिया, नौशाद साहब को लिया, नौशाद साहब ने म्यूजिक दिया। एक दिन मेरे घर में खाना था सब म्यूजिक डायरेक्टर एसोसिएशन का जी, तो पिक्चर रिलीज हो गई बैजू बावरा, तो नौशाद साहब बैठे हुए जब जाने लगे तो मुझे कहने लगे सरदार जी आपसे एक बात करनी है। मैंने फरमाइए कि मेरी पिक्चर जाके देखिए बैजू बावरा, और फिर मुझे बताइए बाजू म्यूजिक दिया ठीक है पिक्चर के हिसाब से या कि नहीं। तो मैंने कहा क्यों क्या बात है। कह लेंगे नहीं आप फिर देख के आएंगे तो आप बताएंगे, मैं बताऊंगा क्यों मैंने कहा है। तो मैं गया देखने, देख के मैंने उनसे कहा उनके घर पे, मैंने कहा आपने म्यूजिक बहुत अच्छा दिया है जी, एक एक गाना खूबसूरत है जी, लेकिन एक बात है, एक जगह आप मार खा गए, वो मार तो खाई डायरेक्टर ने, लेकिन आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जब आप बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे थे तो आपको सीन देख के बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं, आपने वो सीन देखा लेकिन आपने ख्याल नहीं किया, आप भूल गए। कहते क्या। मैंने कहा संत गुरु हरिदास के घर में जब वो उठता है चारपाई से, टांगे उसकी यूं यूं कांपती है, तो शर्ट लिया है उन्होंने, उसके सर के ऊपर ढोलक लटक रही है, तो उस जमाने में ढोलक नहीं होती थी जी, मृदंग होता था, मृदंग होता था या पखावज होता था। बिल्कुल। आपने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया तो आप ये सोच रहा था कि ये साज क्यों लटकाया है, यार ये निकाल दो भाई शार्ट, क्योंकि एटमॉस्फेयर के हिसाब से गलत है, आपकी यही गलती है, बाकी आपकी पिक्चर कमाल की है। क्या तो कहने लगे बहुत अच्छी बात आपने कही है, मेरे जहन में ये बात आई नहीं। तो मैंने कहा आपने मुझे किस बात के लिए भेजा है, क्या चीज। आप कहते कि आपने कहा था उनको कि इस पिक्चर के लिए अगर बाजू म्यूजिक डायरेक्टर कोई है तो खेमचंद प्रकाश जी, इसलिए मैंने आपको भेजा
कि मैंने जस्टिफिकेशन दी है कि नहीं, और वो खेमता प्रकाश के असिस्टेंट थे नौशाद। बिल्कुल। तो मैंने कहा आपने जस्टिफिकेशन पूरी दी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो इस बात से बड़े खुश हुए कि आपने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है, काश कि आप कभी पहले मुझे मिले होते वैकुंठ म्यूजिक के दौरान, तो मैं आपकी बात सुनता और रेल निकलवा देता। जी, कमाल की बात यह है कि बैजू बावरा के बहुत बरस बाद तक भी नौशाद साहब से आपका नाता रहा है, और अमेरिका जाने के बाद भी जब भी आप भारत आते थे तो मुलाकात उनसे जरूर होती थी। बिल्कुल, मेहरबान दोस्त कहिए, क्योंकि हमने हमारे सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर एसोसिएशन है ना, उसके वो प्रेसिडेंट रहे हैं और मैं जनरल सेक्रेटरी होता था, और जब तक वो प्रेसिडेंट रहे मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। तो मैंने अखीर तंग आके छोड़ दिया, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं। कहने अगर आप छोड़ दोगे तो मैं भी छोड़ दूंगा। तो फिर मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, रोज अटेंड करना बड़ा मुश्किल है। फिर उन्होंने कहा कि जनरल सेक्रेटरी आप रहे, लेकिन एक आदमी रख लेते हैं जिसको पेमेंट करते हैं, वो ऑफिस कंट्रोल करेगा। तो फिर हमने एक आदमी रखा जिसका नाम था प्रेम धवन। क्या बात है। वो भी म्यूजिक डायरेक्टर थे जी। उनको बना दिया एज ए सेक्रेटरी, मैं जनरल सेक्रेटरी वो सेक्रेटरी, तो वो काम करते थे। अच्छा, नौशाद साहब से आखिरी मुलाकात के बारे में बताइए। नौशाद साहब की आखिरी मुलाकात में मुझे अब याद नहीं, चूंकि मेरे खास दोस्त सज्जाद हुसैन हैं। जी जी, म्यूजिक डायरेक्टर सज्जाद हुसैन, वो बड़े दोस्त थे मेरे जी। 1994 में मैं आया था यहाँ, तो सज्जाद साहब का टेलीफोन आया, मैं रिकॉर्डिंग करा रहा था आशा भोसले की प्राइवेट रिकॉर्डिंग। तो वो जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे उसमें सज्जाद साहब का बेटा जी मैंडोलिन बजाता था। तो मैंने कहा यार तुम्हें कहीं देखा हुआ है, मुस्तफा की बात करें। हाँ जी। मैंने कहा तुम्हें कहीं देखा हुआ है, तो वो कहने लगा कि मैं सज्जाद साहब का बेटा हूँ। ओहो, मैंने कहा याद आ गया, तू तो मैंडोलिन बजाता था कई गानों मेरे में। जी जी। मैंने कहा क्या हाल है सज्जाद साहब का, कहते बिल्कुल ठीक है। मैं कहा मेरा सलाम भोजना। तो उसने जाके कहा कि अब्बा जान सरदार जी आए हुए हैं, उन्होंने आपको सलाम भेजा है। तो कहने लगा महेंद्र साहब के हाँ। तो उन्होंने नेक्स्ट डे मेरी रिकॉर्डिंग में टेलीफोन किया कि आप आए हैं, आप अमेरिका रहते हैं, आप चले जाएंगे, मुझे मिले बगैर आप नहीं जा सकते। मैं आ जाता, मैं नहीं आ सकता चूंकि मैंने रोजे रखे हुए हैं। तो मैंने कहा मैं आपसे मिलके जाऊंगा जी। तो नौशाद साहब ने मेरा खाना कहा, उनके घर में गया खाना खाने के लिए, वहां से खाना खा के तो मैं सज्जाद साहब के आ गया, तो वो सेकंड फ्लोर पे चला गया। तो मिले बैठे हुए थे जमीन पे, उठे और जफ्फी डाल के मिले, और फिर बातचीत हुई। तो बातें उन्होंने बैडोल ने भी सुनाई, अपने पांच बच्चों से मुलाकात करवाई एक के बाद एक, एक के बाद, ऐसे लगे जैसे एक ही आदमी है, पांचों बच्चे एक जैसे। बिल्कुल जी जी जी। उसके बाद मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं नौशाद साहब के आज खाना था, वहां से होके आ रहा हूँ। तो कह रहा नौशाद देखो ऐसी बात की है कोई मेरे बारे में? मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं हुई। तो मैंने कहा वो कह रहे थे मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, 75 की एज हो गई है, क्या पता कल रहूँ कि ना रहूँ। खाना खा लिया था मैंने जी। उसके बाद बाहर निकले, वो सफेद कपड़े पहने हुए थे, तो आवाज दी सरदार जी वापस आइए। मैंने कहा क्या बात है? कहते जब फिर डाल के मिलो, क्योंकि क्या भरोसा इसके बाद हम रहे कि ना रहे। तो वो कहता है वो नहीं बनेगा। क्योंकि 75 का नहीं है, वो 80 का है। मैं हूँ 75 का। और ही। जी। और उसके बाद हुआ क्या कि मैं जब चला गया अमेरिका तो मुझे खबर आई कि सज्जाद हुसैन गुजर गए, और फिर कुछ देर के बाद नौशाद साहब का भी पता चला कि वो भी गुजर गए। जी। तो मैंने कहा कि भाई कुदरत के आगे किसी का हाथ नहीं चलता। बिल्कुल, वो मुलाकात आखिरी मुलाकात रही। आखिरी मुलाकात। आनंद बख्शी से आपका नाता रहा है, और मेरा ख्याल है कि शुरुआती दौर में कुछ फिल्मों में उन्होंने आपके लिए गाने, बहुत फिल्मों में गाने लिखे। बताइए उनके बारे में। बहुत फिल्में हैं। ये एक फिल्म आई थी जमीन के तारे। जी। उसमें उनके गाने हैं। और जमीन के तारे के बाद मुझे वाडिया पिक्चर्स वालों ने बुलाया, तो वहाँ एक पिक्चर थी रिपोर्टर राजू, उसमें मुझे म्यूजिक दिया, उसमें भी उनके गाने हैं। चल ले हो कहाँ कहो, कुछ तो मेरी जहाँ कहो, ऐसा भी क्या। गुस्सा फजूल है, हमें कबूल है, रख डालो चाहे जो नाम, अरे अपनी चाह का मेरी निगाह का, लो मेम साहब सलाम, लो मेम साहब सलाम, सलाम मेम साहब सलाम। ओ चले हो कहाँ कहो, कोई दास्तां कहो, कुछ तो मेरी जान कहो, ऐसा भी क्या। चले हो कहाँ कहो,
कहो, कोई दास्तां कहो, कुछ तो मेरी जान कहो, ऐसा भी क्या जुड़ ले जुड़ ले जुड़ ले ले ले। हाजिर है कार जी पैदल सवार ही, क्या शहर तक जाओगे? काम लो जरा आराम लो, नाजुक हो थक जाओगे, नाजुक हो थक जाओगे। तुम हमें नादा कहो, चाहे बेईमान कहो, कुछ तो मेरी जान कहो, ऐसा भी क्या? देखो तो घूम के चलो न झूम के, दामन बचाते हुए अरे सोचो तो जी जरा, कहेंगे क्या भला लोग आते जाते हुए, लोग आते जाते हुए। ओ तुम हमें नादा कहो, चाहे बेईमान कहो, कुछ तो मेरी जान कहो, ऐसा भी क्या? चले हो कहाँ कहो, कोई दास्तां कहो, कुछ तो मेरी जान कहो, ऐसा भी क्या? जुड़ ले जुड़ ले जुड़ ले ले ले। उजाली उनकी यादों के इस कार्यक्रम में संगीतकार एस मोहिंदर, इनसे बातचीत की है आपके दोस्त यूनुस खान ने। उसके बाद मैंने एक पंजाबी की फिल्म बनाई, तो पंजाबी कभी गाना नहीं लिखा, उसमें भी उन्होंने गाने लिखे हैं। जी जी। उसमें गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, चन्ना छड़ भी दे हुण मेरा पल्ला, चन्ना छड़ भी दे हुण मेरा पल्ला, मैनू छेड़ेगा मैनू छेड़ेगा सारा मोहल्ला। क्या बात है, ये गाना उनका लिखा। ये कौन सी फिल्म का गाना है? परदेसी ढोला। मेरी फिल्म मैंने प्रोड्यूस की है, परदेसी ढोला। अच्छा जी, और एक गाना और लिखा था उन्होंने, मेरी जान चल रही है। नी मेरे किन्ने सुने पैर के जिथे कंडे पाया कैर, नी मेरी जान दी मंगो खैर, मेरी जान अड़ी उन्हें जान चलिए, मेरी जान अड़ी उन्हें जान चलिए। कोरस है, नारो मेरी बल्लिए, नारो मेरी बल्लिए। क्या बात है, तो आपने आनंद बख्शी से पंजाबी में भी लिखवाया? पंजाबी में पहली फिल्म। गवाया आपने उनसे कभी? उसमें गवाया था, इसमें कॉमेडी सॉन्ग था, इसी को गा के कॉमेडी बनाई थी, फास्ट की थी आवाज, क्योंकि वो लड़कियां मर के आते हैं दोनों लड़के तो गाते हैं, तो यही गाना जो गाया हुआ है इसको लड़कियों की आवाज में किया। अच्छा अच्छा, तो और कोई गवाह नहीं, काफी फिल्मों गाने लिखे मेरे साथ, बहुत गर्व। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता उनकी पिक्चर आ गई, वो जब जब फूल खिले जी, उसके गाने हिट हुए उनके, उसके बाद वो फिर काम बहुत हो गया उनके पास, फिर मुलाकात कम होती थी। अदरवाइज जी तो रोज शाम को मेरे यहाँ आते थे, सुबह आ जाते थे मेरे साथ, बहुत अच्छी तबीयत के आदमी थे। जी जी। जमीन के तारे की बातें हो रही थी, उस फिल्म के गानों के बारे में बताइए। जमीन के तारे में बच्चों के गाने बहुत सारे हैं, बच्चों के गाने उन्होंने लिखे हैं जो है जी। चुन्नू पतंग को कहता है काइट, बोलो बेटा टिंगू ये रंग है कि राइट। और एक और है कि आज शनिचरवार है कल एतवार है, अब हमको छुट्टी का इंतजार है, आज शनिचरवार है कल एतवार है। अच्छा, और एक गाना और है, आ गया मजारी लेके जादू की पटारी, खेलत बाशे करे जमूरा देखे दुनिया सारी, हो चश्मा हो अडा टडाडा टडा, आ गया मजारी लेके जादू की पटारी। आ
आ गया मदारी लेके जादू की पटारी, ओए आ गया मदारी लेके जादू की पटारी, खेल तमाशे करे जमूरा देखे दुनिया सारी, ओ शाबा ओ वावा ओ बल्ले, आ गया मदारी लेके जादू की पटारी, आ गया मदारी लेके जादू की पटारी। दादर वरली चर्च गेट पोरी बंदर चंबूर, देखो मेरा नाम हसारी बम्बई में मशहूर, हा बेटा समझे। दादर वरली चर्च गेट पोरी बंदर चंबूर, देखो मेरा नाम हसारी बम्बई में मशहूर, जाने राज कपूर मुझे और जाने मीना कुमारी की टोपी ओ चश्मा ओ सैंडल, आ गया मदारी लेके जादू की पटारी, आ गया मदारी लेके जादू की पटारी। डुग बाजे डुग डुग मेरी डम डम बाजे ढोल, बंदर मेरा करता है जी देखो रॉक एंड रोल। डुग डुग बाजे डुग डुग मेरी डम डम बाजे ढोल, बंदर मेरा करता है जी देखो रॉक एंड रोल, नए जमाने की इसको भी लगी ये बीमारी, ओ सदके ओ बचके ओ हटके, आ गया मदारी लेके जादू की पटारी, आ गया मदारी लेके जादू की पटारी, खेल तमाशे करे जमूरा देखे दुनिया सारी, ओ शाबा ओ वाहवा ओ बल्ले, आ गया मदारी लेके जादू की। ये उनके तीन चार गाने थे जी। बाकी एक गाना था, ओ मेरे प्यारो जमी के तारो जाना तुम्हें है कहाँ, खड़ी अकेली बाट हारे मैया हमारी जहाँ, ले चल तू हमको वहाँ। क्या बात है। तारो ओ मेरे तारो जमी के तारो जाना तुम्हें है कहाँ, मेरे प्यारो जमी के तारो ले जाऊंगा मैं वहाँ, प्यारो जमी के तारो ले जाऊंगा मैं वहाँ। Thank you.
प्यारों जमी के तारों ले जाऊंगा मैं वहां। पंडित इंद्र जी उनका लिखा हुआ है और वो काफी सारे गाने थे। राजा मैदानी खान का भी कोई गाना है इसमें, मुझे याद नहीं कौन सा है। आपने कई पंजाबी फिल्मों में संगीत दिया है जिनमें मन जीते जगजीत और नानक नाम जहाजे जैसी बड़ी मशहूर बड़ी फिल्में हैं। नेशनल अवार्ड भी आपको मिला नानक नाम जहाज से मिला है। जी जी उसमें तो गाने नहीं, उसमें तो शब्द है सारे। दो गाने हैं वो दो गाने वर्मा मलिक साहब के लिखे हुए हैं पंजाबी के जी। और बहुत ज्यादा नानक नाम जहाज है के गाने का संगीत जो है वो बहुत ज्यादा सारा क्लासिकल है वो मकबूल हुआ। रे मन ऐसो कर सन्यासा जत की जटा जोग को मजन नेम के नखन बढ़ाओ ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम भूत लगाओ रे मन ऐसो कर सन्यासा। दया चिमातन प्रीत
आशा भोसले का गाया हुआ है और इतना खूबसूरत गाया उसने जी, वाह वाह। और इसको राग कलावती कहते हैं। क्या बात। उसने मुंह से मांग के लिया था कि मुझको गाना कलावती में गवाओ। अच्छा। हाँ, कि कलावती में लता बाई गाई है और मोहम्मद रफी गाए हैं, मुझे किसी ने नहीं गवाया, तो फिर मैंने ये गाना बनाया। और मैं एक बैठा हुआ था चर्च गेट, इसको कंपोज किया, तो मैंने उसको रात को 11 बजे टेलीफोन किया कि ये मैंने कलावती में गाना बनाया है, तो कहने लगी बहुत अच्छा है। फिर जब रिकॉर्ड किया तो उसके दो अंतर डिफरेंट थे, तो मैं भूल गया, तो मैंने सब अंतरों की एक ही ट्यून कर दी। तो कहने लगी कि आपने मुझे दो ट्यूनें सुनाई थी, ये क्या है? मैंने कहा मुझे उस वक्त तो याद थी, आप मुझे याद है। तो कहने लगी 5 मिनट ठहरिए। बाहर गई, घूम घाम के आई, वापस आके उसने कहा डोनेशन करो, ये मैं गाती हूँ। तो उसने वो दूसरी ट्यून फिर गाई, तो हमने डोनेशन चेंज की। गजब। फिर ऋषि सैग जी साग, क्या बात है और क्या गाई है। वाह। ये दो गाने, एक ये मित्र प्यारे नुहाल मुरीदा ने कहा, दो गानों के ऊपर मुझे नेशनल अवार्ड मिला। मैंने उनसे कहा था आप इसको ऐसा गा सकते हैं क्योंकि आपकी आवाज़ में एक्सप्रेशन सब लोगों से ज़्यादा है, तो इस पे एक्सप्रेशन भी है, एक्सप्रेशन का गाना है तो एक्सप्रेशन चाहिए। हम अंदर 9:30 बजे गए और 11 बजे बाहर निकल आए, एक टेक किया तो सुना, तो मैंने कहा मुझे और नहीं चाहिए। तो कहने लगे एक दो और ले लो। मैंने कहा नहीं, क्योंकि जितनी लेगा एक नहीं फिर 13, 12, 13 हो जाएगी, पसंद करते वक्त हो सकता है कि अच्छी टेक भूल जाऊं मैं, गलत रख लो। मैं आपसे आप सेटिस्फाइड, अगर आप सेटिस्फाइड है तो मैं भी सेटिस्फाइड हूँ। तो बस एक रिकॉर्डिंग एक दफे हुई और क्या बात है, जब भी वो गाना सुनते हैं ऐसे लगता है कि नशा हो गया जी। एक फिल्म आई थी मन जीते जगजीत, मन जीते जगजीत, तो मैंने खुद प्रोड्यूस किया है जी, और म्यूजिक उसका मन जीते जगजीत और दुख भंजन तेरा नाम जी, दो फिल्में हैं जी। मन जीते जगजीत का म्यूजिक भी आशा भोसले और रफी साहब है। एक गाना उसमें है, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, ये आशा भोसले भी गाई है सोलो, ये रफी साहब ने गाया और उसमें सब डाकू है, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। और डाकू जो है वो कोर्स में गाते हैं, जिन्होंने कभी सत राम वर्ल्डी को भी बोला वो कहते हैं सत राम वाहेगुरु, सुरेंद्र दात पेन डाकू है, तो वो सरेंडर करने जाते हैं, फैसला कर रहे थे हमने सरेंडर करना है पुलिस के सामने, तो गाते हुए जाते हैं जिसके सिर घोड़े भाग रहे हैं, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, सतना वाहेगुरु वाहेगुरु। क्या बात। तो ये कोर्स गाता है, बहुत खूबसूरत लगी पिक्चर में, हिट हो गई, सारी पिक्चर हिट है। पंजाबी की मेरी कोई पिक्चर फ्लॉप नहीं हुई, कोई बड़ी 20 पिक्चर 20 और 25 के बीच में है, सब हिट हुई। एक और थी, तेरिया मोहब्बता ने मार सुटिया, तेरिया मोहब्बता ने मार सुटिया, दस की करा इश्के ने छज विच पाके छटिया, दस की करा तेरिया मोहब्बता, तेरिया मोहब्बता ने मार सुटिया, दस की करा ¡Gracias!
किस फिल्म का है ये? है तेरी मेरी एक जिंदड़ी, और एक गाना है सानू बुकराल पानी तू पिला दे गुटनी हो गालू झूठा देरा करिए गलास गोरिए, सानू बुकराल पानी तू पिला दे गुटनी हो गालू झूठा देरा करिए गलास गोरिए, बड़े जोर नाल लगी है प्यास गोरिए, बड़े जोर नाल लगी है प्यास गोरिए। क्या बात, so, ये सब गाने ये रवि साहब का है। आपकी शादी कब हुई और अपने बच्चों के बारे में? देखिए जी, शादी की पोजीशन ये है कि मैं 10 मई 1947 को मुंबई में आया हूँ, 6 साल के बाद जी 1953 में 10 मई को मेरी शादी हुई, दोनों दिन सेम है। एक ही जिंदगी की इतनी जरूरी तारीख। हाँ, फिर मेरे 4 बच्चे हैं जी, पहली लड़की है जो सामने बैठी हुई है जी, तो ये 1955 में पैदा हुई है जी, फिर दूसरा बेटा मेरा हुआ 1956 में, तीसरी बेटी हुई है 1961 में जी, फिर बेटा हुआ है 1965 में। बस इन चारों को पढ़ा लिखा के पास करा के ठिकाने लग गए, सारे बहुत अच्छे वेल टू डू है जी, और खुश है, और इतने अच्छे बच्चे हैं कि मैं जब भी कहता हूँ लोगों से यही कहता हूँ परमात्मा मेरे जैसे बच्चे सबको दे जी। आप देश छोड़कर अमेरिका क्यों चले गए थे? कि मेरे सारे बहन भाई और मेरी माँ वहाँ थे, तो वो बड़े बहुत देर से लगे हुए थे कि मैं वहाँ आ जाऊँ। छोटे भाई ने मुझे स्पॉन्सर किया वैसे ही, तो मुझको लेटर आ गया कि अमेरिका के लिए जा सकते हैं आप, तो मैंने ऐसे ही कि मैं अभी जाना नहीं चाहता, कुछ देर के बाद जाऊँगा। फिर मेरी लड़की की शादी हुई 81 में, लड़का जो मेरा जवाई है अमेरिका में रहता है, तो वो जब जाने लगी साथ उसने मेरा जिक्र किया कि मेरे डैडी ने अप्लाई किया था जी, उसके बारे में कुछ बता सकते? तो उन्होंने कहा जी क्या नाम उनका, मेरा नाम बताया, उसके बाद उन्होंने कहा कि उनको अंदर बुला लीजिए। मुझे अंदर बुलाया, कहने लगे कि कब जाना चाहते हैं। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा जी पहले तो वीजा रिफ्यूज किया हुआ है। कहने लगे आप जा सकते हैं, आप कल जाना चाहें मैं आपको कल दे देता हूँ, ग्रीन कार्ड वहाँ आपको मिल जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसी क्या बात है, मैंने तो रिफ्यूज कर दिया था जी, वो आपने लेटर में लिखा कि आपने रिफ्यूज कर दिया, अब इसके बाद आपको वीजा नहीं मिलेगा जी जी जी। आपको एक नेशनल अवार्ड मिला है, प्राणक्रम जहाज फिल्म से नेशनल अवार्ड मिला है जी जी, तो नेशनल अवार्ड जिसको मिले उसको गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका जिस वक्त वो जाना चाहे उसको वीजा इमीडिएटली मिलता है, यू कैन गो टुमारो। तो बस उसी चक्कर में मैं भी चला गया जी, 82 में मैं चला गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता देखा कि भाई ठीक है, तो सारी फैमिली को बुला लिया वहाँ, तो सारे वहाँ आ गए, तो फिर आने का मन ही नहीं किया। फिर कभी कभी यहाँ चक्कर लगाता रहा हो, जब भी आया हो कोई ना कोई रिकॉर्डिंग करा के गया हो, कोई पिक्चर करके गया हो। अब इस वक्त जो आया हो इस वक्त कुछ नहीं कर रहा जी जी, अब इंटरव्यू दे रहा। अच्छा, आज के दौर का संगीत सुनते हैं तो क्या राय है आपकी उसके बारे में? ये संगीत जो है हमारे दिमाग में नहीं बैठता जी, क्योंकि हम मेलोडी वाले हैं, तो मेलोडी का जमाना और था, पूरी संगीत पे मेलोडी नहीं है, खाली रिदम है। पहले जो गाना था वो दिल से निकलते थे आवाज, अब जो संगीत है वो पांव का संगीत है, नाच है। अच्छा, सुनील दत्त के साथ आपका गहरी जो है जान पहचान नाता रहा है? वो ये जो मनजीत जगजीत थी ना जी, वो पंजाबी फिल्म नहीं करते थे, तो उनको मैंने कहा कि भाई ये फिल्म जो है ये आप इसलिए करेंगे कि इसकी कहानी मैं आपको बताऊं, तो मैंने कहा कि इसकी कहानी जो है वो आपकी अपनी फिल्म है उसी की कहानी है, और गाने में आपको सुनाता हूँ। उनको मैंने ये गाना सुनाया जो सरेंडर करते हैं जी जी, जिसके चेहरे ऊपर तू स्वामी, ये गाना रिकॉर्डेड था जी जी, ये सुनाया उनको जी, तो बड़े खुश हुए, कहने लगे वाह भाई वाह बहुत अच्छा है। पैसे बहुत कम होते हैं, मैंने कहा पैसे की बात मैं नहीं करूँगा, वो कंवर महेंद्र सिंह मेरे पार्टनर हैं उनसे बात कर लीजिए। तो वो अंदर गए, उनकी बातचीत आपस में हुई, तो जो कुछ उन्होंने मांगा मैं इतने पैसे मांगूँ कि ये भाग जाए, बहुत पैसे मांगे उन्होंने। उन्होंने कहा ठीक है हम आपको दे देंगे, तो जो मांगा उन्होंने दे दिया। तो फिर उन्होंने खुद ही कहा कि यार ये बहुत ज़्यादा मांग लिया मैंने, इतने नहीं इतने लोग अब हैं, 10-20 हज़ार कम कर दिए जी जी, और आउटडोर शूटिंग की हमने पठानकोट में। क्या बात है,
तो पठानकोट जितने दिन शूटिंग की, अबाउट 10 डेज की शूटिंग है, वहीं रहे हैं वो हमारे साथ और शूटिंग करते रहे। क्या बात है जी, सारी पिक्चर कंप्लीट होगी। उसमें एक गाना था, जदों जदों भी बने रे बोले का मैनू तेरी सौ मेरे सजना मैं उसिया पानिया आजा दिल जानिया का जदो जदो भी बने रे बोले का। ये सब क्लासिकल सॉन्ग्स हैं और ये सब हिट सॉन्ग्स हैं पंजाबी के, फोक्स हो गए हैं। जी जी जी, बस एक एक चीज है, पृथ्वीराज कपूर से जुड़ी कुछ। हाँ, पृथ्वीराज कपूर जी नानक राम जहाज में थे ना, तो नानक राम जहाज की शूटिंग थी। वैसे मैं उनके घर पे आया जाया करता था, जो शूटिंग चल रही थी उसमें अक्सर मैं उनके साथ बैठता था। गोल्डन टेम्पल में शूटिंग थी, उसमें गाना था प्रभ जो तो कैलाज हमारी नीलकंठ नर हर नारायण नील बसन बनवारी प्रभ जो तो कैलाज हमारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और इतनी बेहतरीन यादें आपने बांटी हैं, हम बहुत 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 शुक्रगुजार हैं आपके, बहुत धन्यवाद। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और जाते वक्त एक बात कहता हूं आपके लिए जी और जो सुनने वाले हैं उन सब के लिए कि भाई हंसते रहो ते बसते रहो। क्या बात है, क्या बात है, एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हाफिज़ खुदा तुम्हारा।
उजाली उनकी यादों की। इस कार्यक्रम में अभी आपने सुना वयोवृद्ध संगीतकार एस मोहिंदर से अपने दोस्त यूनुस खान की बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर थीं भावना सिंदल और उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से प्रस्तुत करती हैं कल्पना शेट। उजाले उनकी यादों की।